व्यूअर्स, आज हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ CTS जनाब मैडम कैथरीन सपना के पास साथ हैं. थैंक यू सो मच मैम बीइंग विद अस. मोस्ट वेलकम. मैम ये बताइए कि आज हम यहाँ पर आपके इदारे के साथ हैं क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट, और ये बड़ा ख़ूबसूरत नाम है कि जो हमारी असल रूह है और हम उसको किस तरह से काम कर रहे हैं, और जिस तरह क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट काम कर रहा है, क्या आप हमें बताएंगे कि आप कब से काम कर रहे हैं, इसका जो इर्तकाई सफ़र है, आप तरक्की के मनाजिल पर अभी तो काफ़ी हैं, और हम आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे. शुरू कब किया आपने? थैंक यू वेरी मच कुलसुम आपके टाइम के लिए और आपके इतने लंबे और तवील सफ़र के लिए कि आप कराची से सफ़र करके लाहौर आई हैं. इट्स प्लेयर. और CTS एक सोच का नाम है, एक yes. जज्बे का नाम है, और हमने इसका जो इसको हमने शुरू किया था 2015 में. 2010 11 बस एक टाइम था जब हम सोचते थे कि क्या हमें कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए कि जिसके थ्रू हम जो हमारे पीछे हुए और इग्नोर जो हमारे सोसाइटी है उसके लिए हम काम कर सकें, तो हम किस तरह से इसको हम डेवलप कर सकते हैं या हम किस तरह से इस इदारे के थ्रू काम कर सकते हैं. तब हमारे जहन में कोई ऐसा नाम नहीं था, लेकिन एक सोच थी कि जो कि मैं हमेशा समझती थी कि हमारा जो हमारी कम्युनिटी है वो निगलेक्टेड है, और जब मैं देखती थी कि भट्टों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम किस तरह से उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं या हम उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी में अपना कोई मुकाम बना सकें या फिर वो एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि जो कुछ भट्टों पे होता है उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है और फिर उनके उनको किस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, वो उससे हम सब वाकिफ हैं. तो ये चीज़ जो थी ये हमारे अंदर थी, और मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो आशर सरफराज, और हमने मिलकर इस इदारे को फॉर्मुलेट किया. और ये इदारा जब हमने इसका नाम रखा तो ये हमारा कोई मकसद नहीं था कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है. okay. इसका नाम ज़रूर है क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट, लेकिन ये क्रिश्चियन इदारा नहीं है. हमने इसको ह्यूमन राइट्स जो कि हमने बाइबल से हमने बिब्लिकल जो इसकी तालीमात हैं उन्हीं के ऊपर हमने इसको उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमने इसको फॉर्म किया, और हमने जो हमारी रजिस्ट्रेशन है बाकायदा उसके अंदर भी मेंशन है कि ये क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम टोटली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है. वी आर वर्किंग विदाउट फोकसिंग ऑन कास्ट एंड क्रीड, तो ये सब के लिए है. क्योंकि हम देखें तो जीसस भी सब के लिए आए थे, उन्होंने किसी एक कम्युनिटी को फोकस नहीं किया था, लेकिन जो ईमान लाए वो मसीही थे. लेकिन हम भी सब के लिए काम कर रहे हैं. और इट्स वंडरफुल, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब ज़्यादती होती है तो वो किसी का बाज़ औक़ात ठीक है कि हमारे लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, लेकिन अक्सर औक़ात बहुत दूसरी कौमों के साथ भी ज़्यादती होती है, और ये आपकी बड़ी अच्छी स्पिरिट है कि किसी के साथ भी ज़्यादती हो और आप उसको किसी तरीके से कंफर्ट कर पाएँ तो आप उसके लिए किसी कौम का और ज़ुबान का और मज़हब का ख्याल नहीं करें. इट्स वंडरफुल थिंग. अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि आपने अभी कहा कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन जो वो है उसमें भी आपका जो विज़न है वो यही है, आप किन किन इदारों से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं आप? जितनी भी NGOs हैं पाकिस्तान में वो उनको सबको एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और सेकंड जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे चैरिटी कमीशन ऑफ पंजाब उसके साथ भी हमारी रजिस्ट्रेशन है. फिर जो पाकिस्तान का फेडरल इदारा है EAD इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ डिवीजन, तो उसके साथ भी हमारी रजिस्ट्रेशन है. ग्रेट.
अच्छी बात है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और वैसे तो हम जानते हैं कि जो राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एनजीओज को रजिस्टर करना एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि फिर भी खुदा अपने लोगों के लिए दरवाजे खोलता है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाए तो काम और ज़्यादा स्लो हो जाता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट के बारे में, और अभी मैं चाहूँगी कि आप इसका ये बताइए कि इनका विज़न क्या है और ये एक्चुअली काम क्या क्या अभी आप कर रहे हैं। हमारा जो विज़न है वो है कि जितने भी अनप्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करना, ताकि जो हमारी सोसाइटी है ये एक पीसफुल सोसाइटी बन सके। आमीन। इसमें हमारा जो प्रोग्राम है फ्री लीगल एड का है, जितनी और हमारा ज़्यादातर फोकस ख्वातीन और बच्चे हैं। हम जितनी भी क्रिश्चियन पर्सिक्यूशन है या जितने भी टॉर्चर और वायलेंस के केसेस होते हैं हम उन पे काम करते हैं, लेकिन स्पेशली फोकस्ड ऑन विमेन राइट्स एंड विमेन वायलेशन, जिसमें फोर्स कन्वर्जन भी आता है, फिर जबरी शादियां हैं, रेप के केसेस हैं, जी रेप केसेस आ जाते हैं, अबडक्शन है। तो फिर उसमें हम लोग जब फ्री लीगल एड का जो हमारा प्रोग्राम है तो उसके साथ साथ फिर ज़रूरत आती है प्रोटेक्शन की। लड़कियां जो के जिनको ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है, फिर उनको उनकी फोर्स कन्वर्जन होती है, उनको फिर जब वो लड़कियां वापस आती हैं तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो भी खौफज़दा होते हैं कि अच्छा पता नहीं अगर ये लड़की वापस घर आ जाएगी तो उनके ऊपर क्या मुसीबत आ जाएगी, और जो होता भी है, और ये उनका फियर जो है ये राइट है। और उसमें फिर हम उनकी इस तरह से फिर हेल्प करते हैं कि हमने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे लड़कियों को हम कुछ वक्त के लिए रखते हैं, जब जब उनका लीगल केस जो है वो कोर्ट्स में है, जब तक वो प्रोसेस में है वो लड़कियाँ हमारे पास शेल्टर में रहती हैं। और वहाँ पर फिर हम उनकी ट्रॉमा काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं जिसमें उनकी मेडिटेशन करवाते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग तो साथ साथ होती रहती है, क्योंकि हमने जो है फुल टाइम वहाँ पे पास्टर वंस अ वीक आते हैं वो फ्राइडे को, लेकिन एवरी फ्राइडे वहाँ पे उनको आके वो स्पिरिचुअल टीचिंग जो है उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है हमारे पास ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए स्पेशलिस्ट हैं, फिर हमने एक पैरालीगल ट्रेनर हायर किया है जिन जो उनको वंस अ वीक आके वहाँ पे पैरालीगल की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, साथ साथ उनको अवेयरनेस प्रोग्राम, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट लोग आके उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि उनकी सेल्फ ग्रूमिंग साथ साथ होती जाए। कि अगर वो यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए हैं या 6 मंथ्स के लिए हैं या 1 ईयर के लिए हैं, तो फिर उनको यहाँ से वो कुछ बन के निकलें, वो उनकी जो लाइफ है वो हम चाहते हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि सोसाइटी में वापस जाके तो वो स्टैंड कर सकें। सही, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दे आर नॉट ओनली द ब्रोकन हार्ट बट ब्रोकन सोल्स एज वेल। अगर हम उनकी क्योंकि आपको ऐसे लोगों की रूहों पर भी काम करना पड़ता है, दिलों पर भी, और ज़िंदगियां तो बर्बाद हो ही चुकी होती हैं, तो इनको इन लोगों को स्टेबल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा काम करना पड़ता होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें तो आप करते हैं शफ़क़त से, मोहब्बत से, व्हेन यू आर गोइंग टू पे अटेंशन टू देम देन डेफिनेटली दे विल बी क्योर। मुझे ये जानना है कि जब ये बाहर जाएंगे तो इनके, आपने कहा कि ये बाहर स्टैंड कर सकें, क्या जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ वोकेशनल भी है ताकि वो बाहर जाकर कुछ स्टेबल हो सके। बिल्कुल, हमने अभी तक इनके लिए 2 हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करवाने की मतलब हमने करवा रहे हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग है और
टेलरिंग है जिसमें मेल और फीमेल टेलरिंग स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। लाइक जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो हमारे सीईओ साहब हैं उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको करते हैं लेकिन इसका कोई हासिल नहीं होता। तो शायद वो पूरे फोकस के साथ नहीं करते या शायद वो उसको थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं और फिर उसको क्लोज़ कर देते होंगे। लेकिन हमारा ये मेरे ख्याल में ये फोर्थ ईयर है वोकेशनल ट्रेनिंग्स का, तो जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लेके चल रहे हैं और हमारे पास जितनी लड़कियां यहाँ से ट्रेंड हुई हैं उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की है। दैट्स ग्रेट। और ये हमारा जो प्रोग्राम है ये इतना सक्सेसफुल हुआ है कि हम खुद जो है वो उसको और ज़्यादा हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि नहीं हमें शायद कुछ और प्रोग्राम्स भी इन लड़कियों के लिए इनको कोई ऐसे प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए जिनसे इनको मज़ीद जो है इनका इंटरेस्ट बने और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ और स्किल्स लेने की तरफ और फिर उनको अपना वे ऑफ इनकम बनाएं ताकि सोसाइटी में इनकी एक जगह बन सके, एक मुकाम बने इनका और रिस्पेक्टफुल जो है अर्निंग ये कर सकें। ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पर हम बहुत सारी पिक्चर्स देख रहे हैं। मेरा जो बहुत मैं ज़्यादा इंटेंशनल हूँ इस बात के बारे में जानने के लिए कि क्या आप के बच्चों के पास या जो कुछ छोटी उम्र में लोग आते हैं या ख़वातीन आती हैं क्या उनके एजुकेशन के लिए भी कुछ प्रोग्राम है कि बिल्कुल है। हमारा हर उम्र के बच्चे के साथ काम है। लाइक ख़वातीन वो चाहे छोटी उम्र में हैं, 6 साल की हैं, 8 साल की हैं, 10 साल की हैं या वो फिर 30 की एज में हैं या उससे भी ऊपर चली जाती हैं, हर एक के लिए हमने जो है वो अपना प्रोग्राम सेट किया हुआ है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में बहुत ही केसेस जो कि बहुत कम उम्र के बच्चों के आए जिसमें 8 साल की 9 साल की बच्चियां रेप हुई, 11 साल की 12 साल की बच्चियों को अगवा किया गया, 13 साल से 14 साल की बच्चियों को जबरी मज़हब तब्दील करवाया गया, फोर्स कन्वर्जन के केसेस बहुत सामने आए। तो इस तरह से जो अब 13-14 साल के बच्चे या 9 और 8 साल की एज में जो बच्चे हैं वो तो स्कूल गोइंग होते हैं, तो जब इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं तो फिर हमारा ये होता है कि हम इनको एक जो उनके साथ एक हादसा पेश आ गया उसमें से उनको निकाल के तो फिर हम वापस उनको उनकी स्कूलिंग में लेके जाते हैं, उनकी जो एजुकेशन है उसको रिज्यूम करते हैं ताकि वो उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। उनके साथ जो हो चुका है वो तो हो गया, उसको तो कोई कुछ भी नहीं हम कर सकते, उसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सकें और अपने जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्टोर कर सकें। तो हमने भट्टों से तकरीबन 22 बच्चियां उनको ला के और जो हमारे पास रेप के केसेस आते हैं 12 साल की 13 साल की बच्चियों को हमने सेंट जोसेफ स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का, वहाँ पे हमने उनको बोर्डिंग में दाखिल करवाया हुआ है ताकि ये बच्चे अपने एक तो माहौल से निकल जाएं जहाँ पे उनके साथ इंसिडेंट पेश आया है और वहाँ पे लोग उनको बार बार उसी चीज़ को याद ना करवाएं, उनको रिमाइंड ना करवाएं। क्योंकि हमारे पास गुजरांवाला से एक केस था, 8 साल की बच्ची अरीबा जोसेफ थी जो जिनको रेप किया गया, एक बुरी तरह से उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ था। उसको हमने लीगल एड तो किया ही उसका, लेकिन हमने उसको फिर हमें पता चला कि जब वो स्कूल जाती है तो उसको बच्चे गलत नज़र से देखते हैं और उसको फिर बातें सुनाते हैं। फिर वो बच्ची जो थी इतनी वो साइकोलॉजिकल इतनी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसने अपने हाथों पे ब्लेड मारने, अपने पप्पों पे मार लेने और उसने वो कहती थी मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। लेकिन फिर हमने उसको वहाँ से निकाला और हॉस्टल में हमने उसको करवाया जहाँ पे अभी वो पढ़ रही है बड़े अच्छे तरीके से। सही। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों की
जो आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जब बाहर से आते हैं तो डेफिनेटली उनको एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, तो आप एजुकेशन पर कितना काम कर रहे हैं? जिन इदारों के साथ आप काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, डू यू पे फॉर दैट? और वो भी इस, या फिर वो जो कॉलेज है या हॉस्टल है वो इसमें आपके पार्टनर बनते हैं? नहीं, इसमें हमें फुल फ़ी पे कर रहे हैं हम उनके हॉस्टल की फ़ी जो है वो 3,000 है, वो हम फुल पे कर रहे हैं, और स्कूल की भी फ़ी हम पे कर रहे हैं। That's great. उसके साथ जो जी वो मजरूह नहीं होती इस तरह से, साथ में जितना भी उनकी स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, उनके यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी बाकी बेसिक नीड्स जो हैं वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें कोई भी स्कूल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमें, हम जब भी कहते हैं कि हमारा हमने इस बच्ची को एडमिशन करवाना है या उसको हमने फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, परसों हमने जड़ावाला में एक केस था जिसकी हमें खबर मिली कि एक 13 साल की बच्ची है जिसको रेप किया गया, और वो 5th क्लास की स्टूडेंट थी। तो जब हम उससे जाके मिले हैं और उसके साथ बातचीत की, तो पेरेंट्स ने कहा कि हमें एक ख़तरा महसूस हो रहा है कि हम इस बच्ची को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये महफूज नहीं हमें लग रही। तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने शेल्टर में जगह दे दें। हम वो बच्ची को लेके आए और जब हमारी बातचीत हुई उसके साथ, तो उसने कहा कि मैं 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ और वो स्कूल गोइंग थी। तो हमने कहा कि बेटा आपने क्या करना है? कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो हमने फौरन उसको जो था वो स्कूल में हॉस्टल में भेज दिया ताकि उसका जो माइंड है वो ख़राब ना हो, उसका फोकस स्टडी पे ही रहे और वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। और फिर हमने उसको उसकी काउंसलिंग की थोड़ी, जो हम कर सकते थे उससे बातचीत की, और उसको हमने कहा कि बेटा, क्योंकि हमारे शेल्टर होम में बड़ी एज की लड़कियाँ भी हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसकी वो अपने उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो। तो हम उसको फौरन जो है वो हॉस्टल में उसको एडमिशन करवाया और 2 दिन से अभी वो हॉस्टल में है। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे इदारे में हैं जहाँ पर लोगों की बात सुन के, जहाँ पर लोगों को, बच्चों को देखकर हमारी रूह तड़प जाती है। हम लोगों को न्यूज़ में इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं, BTL आपके सामने लेके आता है, लेकिन जब हम इन सारे लोगों से मिलते हैं और ये कितनी तकलीफ़दह बात है, हमारा माशरा क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा माशरा क्या डिलीवर कर रहा है, और इसके साथ साथ वो क्या हासिल कर रहा है, इस सवाल के साथ हम एक ब्रेक पर जाते हैं। आप ज़रूर सोचिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, और हम बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर सोचते हैं कि मुआशरे ने हमसे क्या सीखा, हमने मुआशरे को क्या डिलीवर किया, और आज हम अगर अपनी बेटियों को तहफ़ुज़ नहीं दे सकते तो क्या हमारा इंसान होने का या कहलाने का हक वाजिब है, या हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा? मैम, मुझे ये बताइए, मैं जब भी प्रोग्राम करती हूँ तो मैं इस टाइप की कॉलिंग जो है या लोगों को इस तरह की चीज़ें देती रहती हूँ ताकि हम जानें कि आखिर मैं अपनी ज़ात में क्या कर रही हूँ, आप अपनी ज़ात में क्या कर रहे हैं। हम वापस आते हैं बच्चों के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर अकोमोडेट कर रहे हैं, उनकी सारी तरह से वोकेशनल एजुकेशनल सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को, फ़िज़िकल हेल्थ को क्या देखते हैं वो? क्या वो एक्सरसाइजेज़ के आपके पास प्रोग्राम्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ आप कितनी कर सकते हैं मैनेज अपनी कैपेसिटी में, और फिर उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आप एक्स्ट्रा करिकुलर जो चीज़ें हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और कितना आप उस पर फोकस कर पाते हैं? क्योंकि इन बच्चों के साथ काम करना डेफिनेटली मुश्किल भी होता है, कभी वो विलिंग भी नहीं होते इन सारी चीज़ों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बच्चे एजुकेशन के लिए हमारे पास हैं उनको तो मैंने आपको बताया, बोर्डिंग स्कूल में हमने करवाया, उनका टाइम टेबल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी स्कूल और हॉस्टल के हिसाब से उनकी होती हैं। जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर लड़कियाँ शेल्टर होम में हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स, जैसे हमने बताया ब्यूटी पार्लर और स्टिचिंग
क्लास उनकी होती है, डेली बेसिस पे होती है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। और उसके बाद वो डिफरेंट टाइम्स में उनके साथ फिर कोई ना कोई आके सेशंस करते हैं, जैसे मैंने पैरालीगल की आपको बताया, फिर ये जो ट्रॉमा काउंसलिंग के सेशंस हैं ये भी हमारे 3 टाइम्स होते हैं वीक में। okay. और एज़ पर नीड, जिसको ज़रूरत है फिर हम उनके डेली बेसिस पे भी करते हैं। डू एनी साइकाइट्रिस्ट कम और जॉइन यू गाइज और स्पेशली स्किल्ड पीपल कम? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल स्पेशलिस्ट हैं वो साइकोलॉजी में, और वही उनके साथ ट्रॉमा काउंसलिंग करती हैं। मैम, क्रिश्चियंस ट्रू स्पिरिट जो काम कर रहा है उसके लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, ख़ासतौर पर जब आप बच्चों को या ख़वातीन को लेकर आते हैं तो लीगल चीज़ें फेस करके आते हैं, फिर ऐसा हो कि आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो फिर और मुश्किलात आ जाएं, तो अडेप्शन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप समझ सकते हैं, आप बल्कि आप हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि आपको फ़ेस करने पड़ते हैं, तो क्या कोई लीगल अडेप्शन का जो सिस्टम है वो है आपके पास बाकायदा? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि क्योंकि हमारा इदारा रजिस्टर गुड, और जो लोग समझते हैं कि उन वो घरों में महफूज नहीं है, और वो पहली तो वो अपनी आज़ाद मर्जी से यहाँ पे आते हैं। सेकंड जो है वो हमारा 2 तरह की रजिस्ट्रेशन हैं जो हमारी ऑफिस के अंदर ही होती हैं, 2 टाइम्स हम उनकी एंट्री करते हैं, एक शेल्टर होम में होती है और एक फिर हमारे इदारे के अंदर होती है। इसके साथ साथ जो बच्चे हमने एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किए हैं उनके लिए हमने प्रॉपर अडॉप्शन पेपर साइन किए हैं पेरेंट्स के साथ, कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले वो उनको लेके नहीं जा सकते स्कूल से, मतलब उनको छुड़वा नहीं सकते। घर में जाते हैं बच्चे, घर में जितनी भी उनकी छुट्टियाँ होती हैं, जो वोकेशंस आती हैं या समर वोकेशंस हैं या क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ही करते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ जो कंसर्न है वो ये है कि ये बच्चे प्रॉपरली स्कूल में रहें और अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। तो मेरे पास चंद एक बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो ऑर्फन हैं, और उनकी जो है वो मैंने बकायदा तौर पे लीगल अडॉप्शन की है थ्रू कोर्ट, तो वो मतलब दे बिलोंग टू मी। दैट्स ग्रेट, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए जो जिंदगियां एक दफ़ा तबाह हो जाती हैं हम ये कह सकते हैं, तो आप उनको रिस्टोर कर रहे हैं, आप उनको मुआशरे में वापस उस तरह से स्टैंड अप कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजार सकें और उन हादसों को जो भुलाए नहीं जा सकते उनको मैनेज करके किसी तरीके से आगे बढ़ सकें। हमें बहुत खुशी हुई आपको आपसे मिलकर, आपके इस अदारे को विज़िट करके। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, BTL का शुक्रिया जो जिन्होंने आज हमें टाइम दिया और हमारे इदारे में आए। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.